चिंतन चिंतन। कहते हैं शादीशुदा जिंदगी जितनी पुरानी होती है ना, उतनी उसकी कोई ना कोई नई कहानी होती है। प्यार बढ़ता है और प्यार होता वही है जो बढ़ता है हमेशा, उसमें कभी कमी नहीं आती। अगर कोई चीज घटती है तो भाई उम्र है, यादाश्त है, यार दोस्त है, उम्र के साथ बहुत सारी चीजें घटती हैं, लेकिन प्यार हमेशा बढ़ता है। 60-65 साल के अंकल आंटी पड़ोस में रहते थे, उनका झगड़ा खत्म ही नहीं होता था। एक बार के लिए मैंने सोचा कि अंकल आंटी से बात करूं, इतना लड़ते क्यों हैं? बात बात पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं हर वक्त। फिर मैंने सोचा यार मैं तो इस इलाके में 2-3 दिन के लिए आया हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आंटी की जोर जोर से बड़बड़ाने की आवाजें आई तो मुझसे रहा नहीं गया। ग्राउंड फ्लोर पर मैं गया उसी बिल्डिंग में, मैंने देखा अंकल हाथ में वाइपर और पोछा लिए खड़े, मुझे देखकर मुस्कुराए और फिर फर्श की सफाई में लग गए। और अंदर किचन से आंटी के बड़बड़ाने की आवाजें अब भी आ रही थी। क्या कह रही थी आंटी? कितनी बार मना किया है फर्श की धुलाई मत करो मत करो, पर नहीं मानता बुड्ढा। मैंने पूछा, अंकल क्यों करती हैं आप ये फर्श की धुलाई, जब आंटी मना करती हैं तो? अंकल बोले, बेटा फर्श धोने का मुझे शौक थोड़ा ही है, मैं तो इसलिए करता हूं कि इसको ना करना पड़े। ये सुबह उठकर ही फर्श धोने लगेगी, इसलिए इसके उठने से पहले ही मैं धो देता हूं। मुझे बड़ी हैरानी हुई, अंदर जाकर देखा तो आंटी किचन में थी और अब भी बड़बड़ा रही थी। अब इस उम्र में बुढ़ऊ की हड्डी पसली कुछ हो गई तो क्या होगा, मुझसे नहीं होगी खिदमत। आंटी झुंझला रही थी और पराठे बनाकर फिर आंटी सिलबट्टे से चटनी पीसने लगी। मैंने पूछा, आंटी मिक्सी है तो फिर ये? अरे तेरे अंकल को बड़ी पसंद है सिलबट्टे की पिसी हुई चटनी, बड़े शौक से खाते हैं, दिखाते यही है कि उनको पसंद नहीं है, ये लाके मिक्सी रख दी। समझ में नहीं आ रहा था ये लड़ाई है या एक दूसरे की केयर। उधर अंकल भी नहा धोकर फ्री हो गए थे, उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, बेटा इस बुढ़िया से पूछ रोजाना मेरे सैंडल कहां छिपा देती है, मैं ढूंढता हूं, इसको बड़ा मजा आता है मुझे परेशान करके। मैंने आंटी को देखा, वो कप में चाय उड़ेलते हुए थोड़ा मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं ही छिपाती हूँ सैंडल। जानते हो बेटा क्यों छिपाती हूँ? ताकि सर्दी में ये जूते पहनकर ही बाहर जाएं। देखा नहीं कैसे उंगलियां सूज जाती हैं इनकी। हम तीनों साथ में नाश्ता करने लगे। भाई मैं तो इस बिल्डिंग में मेहमान था, लेकिन इन दोनों बूढ़े बुढ़िया की नोक झोंक देख करके इनके और भी करीब आ गया था। अब जब समय मिलता इनके पास आके बैठ जाता, कभी चाय पीता, नाश्ता करता, नाश्ते के दौरान भी उन दोनों की बहस चलती, बहस करते। अंकल बोले, लात थैला दे दे मुझे, सब्जी ले आऊं। आंटी गुस्से में बोली, नहीं कोई जरूरत नहीं, थैला भर के सड़ी गली सब्जी लाने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या हुआ आंटी? मैंने आंटी को सवारिया नजरों से देखा और उनके पीछे पीछे किचन में गया। अरे बेटा 2 कदम चलने से ही सांस फूल जाती है इनकी, थैला भर सब्जी लाने की जरूरत क्या है? मैंने बहादुर से कह दिया है, वो अपनी इस बिल्डिंग का नौकर, वो ले आएगा। मॉर्निंग वॉक का शौक चल रहा है बुढ़ऊ को, अब तू पूछ साथ मुझे क्यों नहीं ले जाते, अकेले निकल जाते हैं चुपके से। मुझे मजा आता है इसलिए जाता हूं अकेले, अंकल ने जोर से जवाब दिया। भाई समझ नहीं आ रहा था ये।
बुड्ढे बुढ़िया का झगड़ा बड़ा दिलचस्प था। मैं ड्राइंग रूम में था। अंकल धीरे से बोले, बेटा रात में नींद नहीं आती तेरी आंटी को, सुबह ही आंख लगती है, तो कैसे जगा दूं चैन की गहरी नींद सही से, इसलिए मैं चुपचाप अकेला निकल जाता हूं। इस नोक झोंक पर मुस्कुराता हुआ मैं वापस अपने फ्लोर पर आ गया। कुछ देर बाद बालकनी से देखा, अंकल आंटी के पीछे दौड़ रहे थे। अरे कहां भागी जा रही हो मेरे स्कूटर की चाबी लेके, इधर दो चाबी। और आंटी बोलती है, नजर आता नहीं स्कूटर चलाएंगे, कोई जरूरत नहीं, कैब कर लेंगे हम। अब वो कैब वाला किडनैप कर लेगा तुझे बुढ़िया, अंकल चिल्लाए। हाँ हाँ कर ले, तो कर लेने दो, आपको तो सुकून आ जाएगा ना। अंकल और आंटी की ये बेहिसाब नोकझोंक कभी खत्म होने वाली नहीं थी, मगर मेरी समझ में आ गया था मैं इस तकरार के पीछे छिपी हुई इनकी भावनाओं को समझ गया था, और वो थी बेशुमार मोहब्बत, एक दूसरे की फिक्र, एक दूसरे की केयर। सालों के साथ के बाद, शादीशुदा लंबी जिंदगी के बाद, एक दूसरे की जरूरतें भी समझते हैं दोनों, और झगड़े से प्यार का एक्सप्रेशन भी करना आता है इन्हें। सच पूछिए तो प्यार करना नहीं, प्यार निभाना आता है इन्हें। प्यार वो नहीं जो कोई कर रहा है, प्यार वो है जो निभा रहा है। बूढ़े और बुढ़िया की ये नोकझोंक दिल छू गई मेरा, और मुझे यकीन है आपका भी दिल चाहा होगा कि ऐसी नोकझोंक हर घर में हो, हर परिवार में हो, शादीशुदा जिंदगी में हो। ये झगड़ा नहीं है, ये प्यार है जनाब। चिंतन